हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न में टू टेस्ट वेदर द टू गिवन नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। यानी हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हों और उनमें हमें पता करना हो कि दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम जान चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं, और इसके अलावा हम यह भी जान चुके हैं कि यदि हमें एक कोई फ्रैक्शन दिया गया हो और उसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हो तो हम किस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी जान चुके हैं कि यदि हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं जिनमें एक फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट हमें दूसरी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, जिसमें एक का हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दिया गया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं तो हम कैसे पता करें कि ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि यदि दो फ्रैक्शन हैं जिनको हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को माना है ए अपॉन बी और सेकेंड को माना है सी अपॉन डी, तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यानी इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से और बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। तो ये हुआ आपका ए डी और ये हुआ आपका बी सी। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों जो नंबर हैं वे अगर इक्वल आते हैं तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी यानी दोनों जो फ्रैक्शन हैं इक्विवेलेंट होंगी। यानी सिंपल सा रूल है कि इस तरह से जो दो फ्रैक्शन हमें दिए गए हों तो इनमें हम इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रोसेस को इस वाले के साथ भी दोहराएंगे। और तब इनका रिजल्ट अगर सेम आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फिगर हमें मिले, जो नंबर हमें मिले, यदि वह इक्वल है तो दोनों जो फ्रैक्शन हैं वो इक्विवेलेंट होंगी। और अगर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें नंबर्स मिले और वे अगर इक्वल ना हो तो दोनों ही फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं होंगी। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह हम इनको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 3/4 और 15/20। तो इन दोनों में हमें देखना है कि जो हमारी फ्रैक्शंस हैं दोनों ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/4 है हमारे पास एंड 15/20 है, दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है 20 से, इसको लिखेंगे 3 × 20 और ये है आपका 5 × 4 × 15, तो 4 × 15। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या इनका जो आंसर है वो सेम आता है। यदि इनका इन दोनों को का जो आंसर है वो सेम आता है तो जो दोनों फ्रैक्शंस होंगी वे कैसी होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। तो चलिए पता करते हैं, यहाँ पर 3 × 20 है, ये हो गया आपका 60 और यहाँ पर भी आपने 4 × 15 किया तो ये भी हो गया आपका 60। तो ये दोनों फिगर हैं वे कैसी हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3/4 एंड 15/20 कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 2/3 एंड 4/5, इनमें हम करके देखते हैं कि क्या ये दोनों जो फ्रैक्शंस है इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो इनमें भी हम इसी सेम प्रोसेस को करेंगे, 2/3 और ये है 4/5 और इसको हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 5 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 × 4। अब हमें इनको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इनका आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर आपने किया 2 × 5, ये हो गया आपका 10 और यहाँ पर आपने किया 3 × 4, ये हो गया आपका 12। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों आंसर हैं वो सेम नहीं हैं। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि 2/3 एंड 4/5 यानी ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं आर Not equivalent. तो इस तरह से तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो दो फ्रैक्शन हमें दी गई हैं इक्विवेलेंट हैं या नहीं। सिंपल हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनके रिजल्ट्स इनके आंसर से भी सेम आते हैं तो दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट हैं, और अगर इनके आंसर सेम नहीं आते क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन हम इस प्रोसेस की हेल्प से एक और चीज़ पता कर सकते हैं, वो यह है कि दोनों जो फ्रैक्शन हमें दी गई हैं, एक तो हमने ये पता कर लिया कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर इक्विवेलेंट नहीं है
तब अगर हमें यह पता करना हो कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है, 2/3 बड़ी है या 4/5 बड़ी है, इसको भी हम इसी प्रोसेस से पता कर सकते हैं। इसके केस में हम यह देखते हैं कि यदि इन केस की ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, यानी इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि यदि ए डी बड़ा है, बिगर है किससे, बी सी से। तो अगर ए डी बड़ा है यानी ये वाली जो फिगर है इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये बड़ा है, तो इसके केस में ए अपॉन बी यानी ए वाली जो फ्रैक्शन है, ए न्यूमरेटर वाली जो फ्रैक्शन है यानी ए अपॉन बी, यह कैसी होगी, बड़ी होगी किससे, सी अपॉन डी से। इसको हम देखते हैं न्यूमरेटर के बेस पर, यहाँ पर न्यूमरेटर कौन सा था, ए अपॉन बी वाला न्यूमरेटर था ए, और यहाँ पर हम देखेंगे सी के बेस पर यानी बी सी, यानी सी यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर था। तो यदि ए वाला जो न्यूमरेटर था, अगर ये ए डी हमारा बड़ा होता है तो हमारी ए अपॉन बी जो है वह बड़ी फ्रैक्शन होगी, और अगर सी वाला फ्रैक्शन बड़ा, सी वाला हमारा जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो बड़ा होता है, यानी बी सी में अगर हमारा बड़ा है तो जो सी अपॉन डी वाली फ्रैक्शन है वह बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इफ ए डी क्या है, स्मॉलर है किससे, बी सी से, तो क्या होगा, ए अपॉन बी जो फ्रैक्शन है वह स्मॉलर होगी सी अपॉन डी से। तो इस प्रोसेस में हम यहाँ देखें कि यहाँ पर जो ए डी है यानी कि ये वाला जो हमने मल्टीप्लाई किया वो आया आपका 10, और ये वाला जो मल्टीप्लाई किया यानी 4/3 किया वह आया 12। तो इसके केस में अगर हम जानना चाहें कि 10 और 12 इसमें कौन सा फिगर बड़ा है, 12 बड़ा है, यानी इसके केस में बी सी जो है वह बड़ा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि हमारे पास जो फ्रैक्शन है 2/3 एंड 4/5, इनमें क्योंकि ये वाला फिगर हमारा बड़ा है तो यही जो फ्रैक्शन 4/5 है यह क्या है, बड़ी होगी। अगर इस तरह की कोई फ्रैक्शन हो जिसमें ए डी की वैल्यू यानी ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाला, यानी अगर हमारा ये वाला फिगर यानी फर्स्ट फिगर जो है वह बड़ा होता तो जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन होती वह बड़ी होती। तो बच्चों इस प्रोसेस में आप आसानी से, यानी आपको यहाँ पर अगर दो फ्रैक्शन दिए गए हैं आपको पता करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं, तो भी आप इस प्रोसेस को के हेल्प से आसानी से पता कर सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। और इसी प्रोसेस के हेल्प से आप यह भी पता कर सकते हैं कि दोनों फिगर्स अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जो बड़ी है या कौन सी फिगर ऐसी है या जो कि छोटी है। तो यहाँ तक आपने देखा कि 3/4 एंड 15/20, यहाँ पर ये जो दोनों फ्रैक्शंस थी वे कैसी थी, इक्विवेलेंट थी। क्यों, क्योंकि इनको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनके जो रिजल्ट्स थे वो सेम आए, और ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इक्विवेलेंट नहीं हैं क्योंकि इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट्स आए, जो आंसर आए वो सेम नहीं थे। अब इनकी हेल्प से हम देखना चाहते हैं कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वह बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन है वह छोटी है। तो चलिए इसको हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम कर लेते हैं इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा चेंज, तो ये है 3/4 और यहाँ हम लिख लेते हैं 12/15। तो अब अगर हम देखना चाहें कि अब ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं यह इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, 3/4 और ये है आपका 12/15 और इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हुआ आपका 3/15 और ये हुआ आपका 4/12, तो ये हुआ आपका 45 और ये हुआ आपका 48। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों आंसर हैं हमारे पास सेम नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वह इक्विवेलेंट नहीं हैं, दोनों ही जो फ्रैक्शंस हैं वह इक्विवेलेंट नहीं है। अब इक्विवेलेंट तो नहीं है लेकिन अब आपको यह पता करना है कि कौन सी फिगर हमारी यानी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। इसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों फिगर्स में से देखिए 45 बड़ा है या 48 बड़ा है। तो डेफिनेटली 48 बड़ा है, तो सेकेंड फिगर हमारा बड़ा है, तो यही जो आपकी सेकेंड वाली फिगर है यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 3/4 क्या है, स्मॉलर है किससे, 12/15 से। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है आपकी, कौन सी फ्रैक्शन आप अगर पूछना चाहेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो वह होगी आपकी 12/15, और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है,
थ्री अपॉन फोर। तो बच्चों इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से, आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनके रिजल्ट्स देखने, आंसर देखने हैं। यदि दोनों आंसर सेम आते हैं तो जो फ्रैक्शन है हमारी इक्विवेलेंट होंगी, और यदि दोनों आंसर सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगी। उनमें भी आप अगर देखना चाहें कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो उसके केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमारे आंसर आते हैं उसमें देखिए कि कौन सा आंसर आपका बिगर है, और वही जो फ्रैक्शन है वह आपकी बिगर होगी। यदि फर्स्ट जो आपका आंसर है वह बड़ा है तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपकी बड़ी होनी चाहिए, और यदि सेकंड वाला जो आंसर है आपका, यानी सेकंड फ्रैक्शन वाला आंसर है, यदि वह बड़ा है तो सेकंड फ्रैक्शन आपकी बड़ी होनी चाहिए।